के नेता का हाथ था, और ऐसा एक बार नहीं हुआ। बड़ी बात जो शासन है, जो सरकार है, जो न्याय है, वो वंचित हुआ है वहाँ यूपी के लोगों को, और बार बार अत्याचार तो हुआ है, विश्वास नहीं है, सेवा करना है। लेकिन बीजेपी अडानी और अंबानी की गोदी से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, किसान की हत्या कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बीजेपी की अकल ठिकाने नहीं आती, कब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे कि अंडल यूपी को उनको इतना उबलाहट नहीं मिलती। लेकिन कुछ ना कुछ डर बीजेपी को है, कुछ ना कुछ गलत बीजेपी के मंत्री हैं उनके बेटे से हुआ है, इसलिए उसको छुपाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। योगी सरकार ने पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, हमारी बहन का वहाँ पे मर्डर होता है जिससे पहले उसका रेप किया जाता है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो भी उसके घर वालों को नहीं दिखाई। एक तो सबसे पहले किसान भाइयों की हत्या हुई, जो सबसे बड़ा अपराध है, और जिन लोगों की हत्या हुई उनके परिवार वालों का दुख साझा करने के लिए जब हमारी नेता प्रियंका गांधी जी उनसे मिलने जा रहे थे तो उनको लीगली डिटेन कर दिया गया, जो बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। उसके बाद तानाशाही जो रवैया है, जो मोदी सरकार का और योगी सरकार का, ये नहीं चलेगा। इसके खिलाफ युवा कांग्रेस पूरे देश भर में आज प्रोटेस्ट भी कर रही है, और जो शहीद हुए हैं किसान उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च भी कर रही है।